हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से जो है आपका स्वागत है एमएस पावर ब्लॉग में। हमारा ट्रैक जो है जोलिंगकोंग से ऊपर पार्वती कुंड के लिए जो है ट्रैक हो रहा है। इससे पहले आपने जो है आदि कैलाश के दर्शन कर लेंगे। गौरी कुंड का जो है हमारा ट्रैक हो चुका है। अब हम जो है जा रहे हैं पार्वती कुंड। देश के प्रधानमंत्री जी भी हाल ही में वहाँ पर आए थे। तो दोस्तों स्नो फॉल हो रहा है पूरा, आदि कैलाश के भी दर्शन कर ले। और नीचे देखिए दोस्तों, आप लोग देखेंगे नीचे का नज़ारा, ये है जोलिंगकोंग का नज़ारा। ये है, ये जोलिंगकोंग से एक रास्ता आता है ना दोस्तों, ये देख रहे हो, ये नीचे का रास्ता आप लोगों को दिखाता हूँ। जोलिंगकोंग से एक गया ये गौरी कुंड को, आप देख रहे हो हिमालय दृश्य, और ये जाएगा ये वाला रास्ता जो है पार्वती कुंड को। अभी हमारे मित्र लोग आने वाले हैं तो उनको रुकेंगे, तो उसके बाद जाएंगे। स्नोफॉल, मौसम अभी भी बिल्कुल हमारा साथ दे रहा है। और ये नज़ारा यार जो कि काफ़ी अच्छा शानदार सफ़र हो रहा है हमारा। अभी फाइनली देखिए, अभी तक जो है कैलाश पर्वत दिख रहा था हमको दर्शन देने के बाद, जो कैलाश पर्वत में बर्फबारी हो रही है। ये नीचे जोलिंगकोंग का नजारा, 2 किलोमीटर इधर से पार्वती कुंड। जय बोले की देख रहे दोस्तों, यार हैवियर स्नो फॉल हो रहा है बिल्कुल यहाँ पे। तो जा रहे हैं और लोग पीछे जा रहे, देखिए यार हैवियर स्नो फॉल हो रहा है जोलिंगकोंग से ऊपर। दोस्तों इतनी हाइट पे पार्वती कुंड पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए यार, ये पूरा धान की खेती के बीज किया गया है। तो भैया जी के द्वारा बताया गया कि यार यहाँ पे ये दोस्तों एक ही बार उगाया गया, उसके बाद ऑटोमेटिक ये धान की खेती होती है, उगता है और काटते हैं दोस्तों, ऑटोमेटिक होते रहता है। इसमें दोबारा जो है धान के बीज बोने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। लगा रहे इतना बड़ा प्लॉट है लगभग उधर तक, तो ये चीज़ है अभी हर गजब। यहाँ पर हर साल धान की खेती होती है, काटा जाता है और उसके बाद छोड़ दिया जाता है ऑटोमेटिक, फिर अगले साल अपने टाइम पर उग जाता है धान की खेती। दोस्तों देखिए यार, ये शहर से जोलिंगकोंग हो, मित्र लोग आ रहे हमारे, और यहाँ पे ये नज़ारा रहा दोस्तों यार, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। यही पार्वती कुंड है ना दोस्तों, ये कुंड शांतिपय मंदिर है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी हाल ही में 12 अक्टूबर को यहीं पर आए थे, यहीं पर पूजा अर्चना की थी। और देखिए क्या शानदार नज़ारा है जबरदस्त। तो दोस्तों यार फाइनली जो है हम पार्वती कुंड पर पहुंचने वाले हैं। नीचे ट्रैक हो रहा है और देखिए यार, ये पूरा ट्रैक पर बर्फ है। और ये रहा पार्वती कुंड का नज़ारा, और स्नोफॉल भी हो रहा है। वो तो हम हाइट पे है दोस्तों, यहाँ स्नोफॉल हो रहा है। अगर नीचे डाउन पर होता ना, बारिश होती तो ज़्यादा दिक्कत आती। लेकिन ये है दोस्तों यार, जब आप नीचे जोलिंगकोंग तक गाड़ी आती है, अगर तब से आप गौरी कुंड या पार्वती कुंड के लिए ट्रैक कर देना, तो सिंगल भी कर देना दोस्तों, आराम आराम से आए। ऑक्सीजन बहुत कम है चढ़ाई में, मतलब बहुत सांस ले, थकान लगी आप लोग को खाली भी, मतलब यार आप लोगों को दिखाता हूँ शानदार नज़ारा। देखिए ये देखिए, ये रहा यार पार्वती कुंड के नज़दीक है हम लोग, वो शांतिपय मंदिर, यहीं पर जो है नरेंद्र मोदी जी आए थे। आप लोगों को दिखा दे पार्वती कुंड का शानदार नज़ारा। अभी हम ऊपर मंदिर में जाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, थोड़ा सा पूजा करेंगे, उसके बाद हम जो है नीचे को बढ़ेंगे।
ये दोस्तों पार्वती कुंड और हम जो है मंदिर में पहुंचने वाले हैं। पार्वती कुंड और ये है शिव मंदिर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। ये रहा ट्रैक। अभी हम जा रहे हैं मंदिर में, वो हमने जूते खोले तो बाबरे बहुत ही ठंडा हो रहा है यार, यहाँ बर्फ पड़े ना नीचे पाँव में, बहुत ही कड़क लग रहा है। ये देखिए अभी कारपेट भी छा हुआ है। तो दोस्तों देखिए यार, जब ये थे ना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है इसी मंदिर पर आए, आप लोग लगाए ये मंदिर का नज़ारा दिखाते हैं आप लोग और कुंड का बर्फ है इधर पे नंगे पाँव चलना। ये चीज़ें देखिए, वो ये रहा शिव मंदिर। दोस्तों देखिए यह है कुंड और इधर भी देखिए, इधर ही पे आगे जो है नरेंद्र मोदी जी जो है बैठ के उन्होंने पूजा की थी। ये देखिए ये मंदिर रहा, आप लोग देखेंगे ये है नज़ारा। और यहाँ पर कुछ तो फोटोज हैं यार दोस्तों, ये पूजा की गई है क्योंकि उनके द्वारा शायद मंदिर अंदर का निर्माण किया गया होगा, ये चीज़ें की होंगी। और ये पार्वती के कुंड के सामने आप लोग देख रहे होंगे। यह है पार्वती कुंड और ये ऊंचाई पर जो है शिव मंदिर। तो दोस्तों जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे ना, देखिए अभी भी उनका जो है ये आसन ऐसे है, इधर में बैठ के उन्होंने पूजा की थी और सामने से ये पार्वती कुंड और आदि कैलाश के दर्शन किए थे। आप लोग देख रहे होंगे यार कितना खूबसूरत नज़ारा, मौसम ने साथ ही दिया, बर्फबारी हुई थी लेकिन हम लोग आगे दर्शन हो गए और वीडियो में आप लोगों को दिखा गया यार। वीडियो कैसा लग रहा है इस बारे में भी बताइए, कमेंट कीजिए दोस्तों यार कैसा लग रहा है आप लोगों को। और मंदिर की मैं अंदर जो है दर्शन कर लिया हमने, उसके बाद अब हम जाने की तैयारी करेंगे। शिव मंदिर और पार्वती कुंड के दर्शन कर ले जो कि दिव्य दर्शन, यहाँ आके यार बहुत अच्छा फील हुआ। जब आप ट्रैकिंग में आते हैं ना दोस्तों थोड़ा सा आराम से आए, ये चीज़ें क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम है तो आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। तो यार सफ़र काफ़ी शानदार ज़बरदस्त रहा हमारा। यहाँ से हम आपको आदि कैलाश नहीं दिखा पाए क्योंकि वहाँ पे आप देख सकते हैं सामने काफी कोहरा लग चुका है, कोहरा लग चुका है। और दूसरी साइड से आपने देख लिया आदि कैलाश, हमने दर्शन किया गौरीकुंड से। गौरीकुंड उसके काफी जड़ में होने की वजह से उसको हम सीधे ऐसा लग रहा था धूप हो रहा था तो आधी कला में चढ़ जाए। तो दोस्तों यार हम अब प्रस्थान कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं नीचे की ओर। जय माता दी, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, मिलते हैं नीचे। बर्फीले पहाड़, ठंडी हवाएं यार, ठंडी ठंडी पवन चले तन मन में, हवा आग लगे, आग नहीं ठंडी की आग लग रही है दोस्तों, जो करंट लग रहा है हमको। तो यार इतने पहाड़े, यहाँ का लैंडफॉर्म देख रहे होंगे ना आप, टोपोग्राफी, भू आकृति, क्योंकि यहाँ कोई पेड़ पौधे, थोड़े छोटी झाड़ियाँ भी नहीं है, घास घास है, इस वजह से ऑक्सीजन बहुत कम है। तो और ये नज़ारा यार काफ़ी शानदार, सफर शानदार रह रहा हमारा, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। अंधेरा भी हो रहा है और पूरा यार बर्फबारी हो रही है, आदि कैलाश पर पूरा जो है बर्फबारी हो रही है, कोहरा आ चुका है यार। जोलिंगकोंग में पहुंच गए और कुछ मित्र लोग आ रहे हैं, बहुत टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड कर लिया जोलिंगकोंग से, अब हम नीचे जा रहे हैं गुजी के लिए। तो यार ये देखिए यार, इतना पहले रोड नहीं हुआ करता था तो उस टाइम पर देखिए यहाँ ट्रेड होता था चाइना के साथ, इंडिया चाइना के साथ, यही इसी रूट से उस टाइम पर पैदल बहुत दूर यार, मीलों मीलों। भाई भाई के नहीं
यही तो चलो बाद में काम आएगा। अरे रात को मिलो ना, आज रात को मिलो। तो रात का टाइम है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं पूरा स्नो फॉल हो रहा है क्योंकि अंधेरा हो गया हमको। देख रहे हो दोस्तों ये स्नो फॉल हो रहा है, हैवियर स्नो फॉल। अभी हम पहुंचे नहीं, लगभग 10 किलोमीटर और जाना है अभी, क्योंकि छत में सामान है ना उसको कवर कर रहे हैं। और गुजी में पहुंच गए हमारे टेंट, ऐसे ये दीदी जी के द्वारा जो है टेंट को ऊपर से प्लास्टिक से ढक दिया। थैंक यू आपने, वहीं जा रहे हैं वहीं तो ढक दिया। आपको भी दिखा रहे हैं ढका वो लकड़ियां। तो दोस्तों देख आप लोगों को दिखाता यार, देखिए जलाने अभी हमने, अभी तो मार जाएंगे ठंडे से। ये देखिए ये प्लास्टिक डाल के देखिए इतना स्नो फॉल हो रहा है इधर। तो यार इधर पे ये होम स्टे है दोस्तों, नामती माँ नाम की होम स्टे, इनके द्वारा देखिए यार इतना सपोर्ट हेल्प किया गया। तो दोस्तों हमारे जो है हम लोगों ने जो है आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर लिए। उसके बाद जो है यार दोस्तों सब कुछ देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद हमने बहुत परहेज किया था, हमने आपको कंट्रोल प्यास तक नहीं खा रहे थे हम लोग। तो आज हमने सब चीज़ होने के बाद आज यहाँ का जो कि यार लोकल का सूखा मीट लेके आए उसको बना रहे हैं, प्याज और टमाटर का ठीक है। तो ये चीज़ है आज जो है हमारे जो रहेगी फुल मस्ती फुल इंजॉय। वो तो अच्छा हो वेदर, आपने देखा स्नो फॉल हो रहा था, स्नो फॉल भी रुक गया है और हमारे टेंट भी सुरक्षित है। देखिए इतने ठंड में बर्फबारी हुई, देखिए साइड में भी पूरा बर्फ गिरा रखा हम लोगों ने टेंट का। और अभी भी देखिए ये बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड गुजी में लगभग 3000 मीटर से ऊपर है। दूसरा दिन भी आज जो है स्नो फॉल भी हुआ तो धामी जी बता रहे एग्जैक्ट 3600 मीटर। देखिए आज भी हम जो है सर्वाइव कर स्लीपिंग बैग के अंदर 3600 मीटर से, मतलब वहाँ से है ना कुटी 3600 मीटर से ऊपर, बहुत ही स्नो फॉल हुआ आज। हमारे टेंट भी जो है पूरे बर्फ से, ये चीज़ें आज इधर पर सो रहे हैं। देखिए तीन दो भाई जी जो हमारे उधर एडजस्ट हुए हैं उनका ये, और तीन उधर है, तीन इस टेंट में सोए हैं हम लोग। तो मिलते हैं आप लोगों, गुड नाइट करते हैं दोस्तों। देखिए समझ सकते हैं आप यार इतने ठंड में क्योंकि बर्फबारी हो रही थी, बड़ी मुश्किल से खाना बना पाए हमने। हाँ भाई अभी खाना बना के जस्ट ठंड के जैसे खा के उसके बाद हम सो रहे हैं। बाय गुड नाइट दोस्तों, कल मॉर्निंग में मिलते हैं, फिर व्यू दिखाते हैं आपको बर्फबारी चारों ओर। देखो इस पहाड़ी से भी उस पहाड़ी में भी बर्फबारी हुई है। तो ठीक है गुड नाइट।